हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स में हम लोग अभी देखेंगे एशिया कप 2022 के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोगों को सारी जानकारी को ध्यान रखना है। जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं एशिया कप क्रिकेट 2022 में क्या हुआ है, कौन सी टीम विजेता रही है, कौन सी उप विजेता रही है, साथ साथ मैन ऑफ द मैच कौन बना है, ये सब सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले एशिया कप क्रिकेट 2022। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर छठी बार एशिया कप क्रिकेट का चैंपियन बना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये श्रीलंका जो है उन्होंने पाकिस्तान को 23 रनों से हरा दिया है और 6 टाइम यानी कि छठी बार ये एशिया कप क्रिकेट का चैंपियन बना है। यानी कि अभी करेंट जो एशिया कप चैंपियन है वह है श्रीलंका। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फाइनल मैच में क्या हुआ था। तो देखिए यहाँ पर है फाइनल मैच के बारे में बात करते हैं। तो कब हुआ था यह? तो यह हुआ था 11 सितंबर 2022 को। कहाँ हुआ था? तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई UAE में हुआ था। तो ये जो दोनों है जानकारी इसको ध्यान रखना है। साथ साथ टॉस जीता था पाकिस्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वह है कि यह कहाँ हुआ था ये। इसके बाद है आपका यहाँ पर श्रीलंका जो है पहले बैटिंग करते हुए 170 रन 6 विकेट पर 20 ओवर में बनाया और पाकिस्तान जो है 147 रन ही 10 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में ही बना पाया। और इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि 23 रनों से श्रीलंका विजेता हो गया और नया चैंपियन बन गया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर श्रीलंका एशिया कप 2022 का चैंपियन बन गया। इसके बाद है यहाँ पर देखिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे मिला। तो मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार मिला हुआ भानुका राजपक्षे श्रीलंका को मिला है। यानी कि श्रीलंका का जो खिलाड़ी है भानुका राजपक्षे, इसी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला है फाइनल मैच की अगर हम लोग बात करेंगे। तो अब बात करते हैं एशिया कप क्रिकेट 2022 के बारे में। यहाँ पे एशिया कप क्रिकेट 2022 के बारे में आप लोगों को जानकारी को यहाँ पे बताया गया है। यह एशिया कप का 15th एडिशन था जिसे T20 फॉर्मेट में खेला गया। तो यह जो है एशिया कप क्रिकेट 2022 जो था वह एशिया कप का 15वां एडिशन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसको T20 फॉर्मेट में खेला गया। इसको जो है T20 और साथ साथ ODI फॉर्मेट में खेला जाता है एशिया कप को। तो इसे जो है इस बार खेला गया वह T20 फॉर्मेट में खेला गया। और यह कब से कब तक खेला गया? तो यह खेला गया 27 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक खेला गया। और कहाँ खेला गया, किस देश में खेला गया? तो यह UAE में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना। तो यह VVI है कि कहाँ खेला गया था, तो यह UAE में खेला गया था। और इसमें टोटल टीम कितने थे? तो टोटल जो टीम थे हुए 6 टीम थे। और इसमें जो टोटल मैच हुए वो कितने मैच हुए? तो वह 13 यानी कि 13 टोटल मैच हुए। और इसमें जो विजेता है यानी कि विनर जो है वह श्रीलंका, जिसके कप्तान है दासुन सनाका। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो है यहाँ पे विनर है श्रीलंका, उसके जो कप्तान का नाम है वह है दासुन सनाका। और उपविजेता टीम यानी कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान उपविजेता रहा यानी कि रनर अप रहा, तो उनके जो कप्तान का नाम है वह है बाबर आजम। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बाबर आजम है पाकिस्तान के कप्तान और ये जो है पाकिस्तान ये रनर अप रहा एशिया कप का। इसके बाद है यहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? तो वानिंदु हसरंगा, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं वानिंदु हसरंगा, तो इनको ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। साथ साथ अगर सर्वाधिक रन यानी कि मैक्सिमम रन किसने बनाया, तो ये मोहम्मद रिजवान के द्वारा बनाया गया, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, 280 रन स्कोर किए हैं ये मोहम्मद रिजवान। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं, 281 रन। अगर सर्वाधिक विकेट की बात करते हैं यहाँ पर, तो वह भुवनेश्वर कुमार भारत के खिलाड़ी हैं, भुवनेश्वर कुमार, इन्होंने 11 विकेट लिए जो मैच हुए उनमें से। तो ये आप लोगों को तीनों जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। हो सकता है यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा। इसके बाद है थोड़ा सा हम लोग जानकारी को देखते हैं एशिया कप के बारे में। तो एशिया कप के बारे में हम लोगों को जानकारी यह है कि एशिया कप क्रिकेट की स्थापना जो है वो 1983 में किया गया था और पहली बार एशिया कप 1984 को UAE में खेला गया था। तो ये ध्यान रखना है कि पहली बार जो एशिया कप वो 1984 में UAE में ही खेला गया था पहली बार। एशिया कप क्रिकेट की सबसे सफल टीम जो है वह है भारत। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपना भारत जो है वह 7 बार चैंपियन बना है एशिया कप क्रिकेट में। यानी कि अभी तक जो 15 एडिशन हो गए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बार जो जीता हुआ टीम है वह है भारत, इंडिया, यानी कि 7th बार चैंपियन बना हुआ है। दूसरी सबसे सफल टीम की बात करते हैं तो वह है श्रीलंका, जिन्होंने 6 बार चैंपियन बना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहला जो सबसे सफल टीम है वो भारत है और दूसरी सबसे सफल टीम जो है वो श्रीलंका, यानी कि 6 बार, और भारत 7 बार चैंपियन बना है। तो ये आप लोगों को इतनी सारी जानकारी को ध्यान रखना है।
याद कर लेना है, जितना हो सके आप लोगों को याद कर लेना है। तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वह एशिया कप 2022 का जो है विनर बना है वह श्रीलंका की टीम बना है, और रनर अप जो है वह पाकिस्तान बना है। साथ ही साथ कहाँ खेला हुआ था, तो इसका जो खेल हुआ था यह दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई यानी कि UAE में यह एशिया कप 2022 खेला गया। और इसमें जो है मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जो है फाइनल मैच में वह है भानुका राजपक्षे। ये इतनी सारी जानकारी जो है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इतनी सारी जानकारी को याद रख लेना है, हो सकता है करंट अफेयर्स में आप लोगों के एग्जाम पूछ लिए जाए।